हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ए से जेड तक कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज। अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं या फिर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी शॉर्टकट कीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होता है सेलेक्ट ऑल, किसी भी फाइल या टेक्स्ट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल बी टेक्स्ट बोल्ड, सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल सी कॉपी, सेलेक्ट टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल डी फॉन्ट, फॉन्ट को बदलने के लिए। कंट्रोल ई टेक्स्ट सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए। कंट्रोल एफ फाइंड, किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। कंट्रोल जी गो टू, किसी पेज या लाइन पर जाने के लिए। कंट्रोल एच रिप्लेस, किसी टेक्स्ट को बदलने के लिए। कंट्रोल आई इटैली, सेलेक्ट टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए। कंट्रोल जे जस्टिफाई, सेलेक्ट टेक्स्ट को दोनों तरफ से मर्ज करने के लिए। कंट्रोल के हाइपरलिंक, पेज पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल एल टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, सेलेक्ट टेक्स्ट को बाईं तरफ से सेट करने के लिए। कंट्रोल एम न्यू स्लाइड, पावर पॉइंट में नए स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। कंट्रोल एन न्यू फाइल, न्यू पेज ओपन करने के लिए। कंट्रोल ओ ओपन फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी प्रिंट, पेज को प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल क्यू क्लोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान पेज को बंद करने के लिए। कंट्रोल आर टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट, सेलेक्ट टेक्स्ट को दाईं तरफ से सेट करने के लिए। कंट्रोल एस सेव, फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल टी न्यू टैब, गूगल क्रोम में नई टैब ओपन करने के लिए। कंट्रोल यू अंडरलाइन, सेलेक्ट टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। कंट्रोल वी पेस्ट, फाइल को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तमान पेज को बंद करने के लिए। कंट्रोल एक्स कट, सेलेक्ट फाइल को कट करने के लिए। कंट्रोल वाई रीडो, एक स्टेप आगे जाने के लिए। कंट्रोल जेड अंडो, एक स्टेप पीछे जाने के लिए। तो ये रहे कुछ ए से जेड तक कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज।